नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर जिले के मोतीनगर थाने को महिलाओं ने किया थाने का घेराव, हत्यारों को जल्द पकड़ने की रखी मांग। दरअसल 3 दिनों से लापता 20 वर्षीय संदीप अहिरवार की लाश रायसेन के गैरतगंज की नदी में मिली थी। मृतक की पहचान 3 दिनों से लापता संदीप अहिरवार के रूप में हुई, जो सागर के संत रविदास वार्ड निवासी था। जब पुलिस ने लाश को नदी से निकाला गया तो मृतक के शरीर में घातक हथियार के निशान मिले थे। चूंकि मृतक किराए से एक ढाबे का संचालन करता था और जो आरोपी हैं वो लोग अवैध शराब का काम करते थे। पिछले कुछ दिनों पूर्व ही आरोपियों की अवैध शराब सागर के मोतीनगर थाने में पकड़ी गई थी। अवैध शराब को रखने के लिए संदीप घोषी और अन्य दो अपराधियों ने मृतक संदीप अहिरवार के ऊपर दबाव डाला कि तुम अपने ढाबे पर हम लोगों की शराब रख लो, लेकिन मृतक के मना कर दिया तो आरोपी गण मृतक को 3 दिन पूर्व अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गए थे। जब मृतक ने अपने घर नहीं पहुंचा तो मृतक के परिजनों ने पुलिस थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसकी लाश कल रायसेन जिले के गैरतगंज नदी में मिली। मृतक की मौत होने पर वार्ड की महिलाओं ने अपना गुस्सा जताने के लिए मोतीनगर थाने का घेराव किया, पर पुलिस की समझाइश के बाद ये महिलाएं वापस लौटी। एहतियातन के तौर पर मोतीनगर थाने में काफी पुलिस बल भी तैनात था। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। एक मिनट, लड़का संदीप अहिरवार ढाबा चलाता है, ढाबा कराची की, मेरा सहारा बोल था वो कुछ छीन लिया। अच्छा, उन्होंने एक दो बार धमकी दी कि हम उठा ले जाएंगे, एक को नहीं तीनों को, एक को तो उठा ले गए, और दो को अन्य उठा ले जाए, मेरा तो बताते का सहारा चला गया। अच्छा, धमकी दे रहे उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करो जाने। कौन कौन लोग हैं बोलो? संदीप घोषी और अच्छा दिन मालूम पड़ा था, जब उसको मालूम करती रहे कि फोन नंबर मिल जाए, जो दारू वारू भेजने वाले थे, तो एक ने भी कहा कि भूपेश तीन बेली ढावा वाला ये कह रहा था कि तेरे लड़की की दो चार दिन में मार चुक जाएगी, उसको तो मार चुकाइए, उसका कहने का तात्पर्य भी था, उसको भी उठवाया तो पुलिस से जो भी बयान दिया हो तो कि ये साथ में नहीं था तो मैंने खुद छुड़वा दिया। भैया मान लो झूठ बोल रहे या कर सत्य बोल रहे, लेकिन संदीप घोषी भूपेश की ढावा पर बैठता था, प्लानिंग मनुष्य बन गई जो भी बन गई। अभी पुलिस ने आप लोग के साथ क्या किया, क्या कार्रवाई हुई? पुलिस ने बराबर कार्रवाई की, सीधे थानों में खबर मिली और वहाँ लाश मिली, उन्होंने हमें सूचना दी। पुलिस बराबर 3-3 बजे रात तक मेरे साथ लोग पुलिस बराबर प्रयास कर रही थी, पुलिस से मुझे कोई गिर सकवा नहीं। कहते हैं रुचि ढाबा चलाते थे और संदीप घोषी और उसके हमने दो साथी 5 तारीख को 10:30-11 बजे करीब साथ में कार से ले गए थे, और उसके तीसरे दिन गैरतगंज में उसके हत्या होने की सूचना पुलिस को यहाँ मिली थी, उसमें शिनाख्ती कराई गई तो ये पाया गया कि यहाँ पे थाना मोतीनगर में गुम इंसान रजिस्टर था, ये पाया गया कि ये डेड बॉडी जो है संदीप की है और उसमें अपने थाना मोतीनगर में गुम इंसान पंजीकृत है, उनकी डेड बॉडी गैरतगंज क्षेत्र में मिली हुई है और यहाँ के चुग निवासी हैं तो डेड बॉडी वहाँ से उत्खनन करा के लाए थे, तो यहाँ उनकी अपनी मांग थी उसको लेके एकत्र हुए थे, अब उस पर वैधानिक कार्यवाही जो भी है की जा रही है। कितने आरोपी अभी तक पकड़े गए पुलिस ने? आरोपी अभी पकड़े जाएंगे, अभी जैसा घटनाक्रम में आया है कि संदीप और उसके दो साथी साथ में ले गए।